हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए 10 जीके के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए। अगर आपको पहले से इनका जवाब पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। और हाँ, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर ऑन कर लें ताकि अपकमिंग वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए हम अपने प्रश्नों की तरफ चलते हैं। आपका पहला प्रश्न है, सर डॉन ब्रैडमैन किस खेल से अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की थी? आपके ऑप्शंस है ए फुटबॉल, बी मुक्केबाजी, सी क्रिकेट या डी शतरंज। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी क्रिकेट। डॉन ब्रैडमैन ने क्रिकेट से अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की थी। आपका दूसरा प्रश्न है, कौन सा सिंधु सभ्यता का स्थान अब पाकिस्तान में है? आपके ऑप्शन है ए हरप्पा, बी सिंधु, सी सिंध या डी लाहौर। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए हरप्पा। हरप्पा अब पाकिस्तान में है। आपका तीसरा प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? आपके ऑप्शन है ए रूस, बी भारत या सी चीन या ऑप्शन नंबर डी अमेरिका। दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए रूस। रूस विश्व का सबसे बड़ा देश है। चलिए हम अपने चौथे प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा चौथा प्रश्न है, वैशाखी त्यौहार किस धर्म के लोग मनाते हैं? हमारे ऑप्शन है ए सिख धर्म के लोग, बी हिंदू धर्म के लोग, सी मुसलमान धर्म के लोग या डी ईसाई धर्म के लोग। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए सिख धर्म के लोग वैशाखी त्यौहार मनाते हैं। दोस्तों, आपका पांचवा प्रश्न है, कांग्रेस में गरम दल के संस्थापक कौन थे? आपके ऑप्शन है ए बाल गंगाधर तिलक, बी भगत सिंह, सी महात्मा गांधी या डी चंद्रशेखर आज़ाद। दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक गरम दल के संस्थापक थे। चलिए हम अपने छठे प्रश्न हमारा छठा प्रश्न है, भारत के किस जिले को अन्न का कटोरा कहते हैं? हमारे ऑप्शंस है ए पाली, बी झालरवार, सी हनुमानगढ़ या डी श्रीगंगानगर। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी श्रीगंगानगर। श्रीगंगानगर को अन्न का कटोरा कहा जाता है। हमारा सातवां प्रश्न है, भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है? हमारे ऑप्शंस है ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी समुद्रगुप्त, सी चंद्रगुप्त प्रथम या डी हर्षवर्धन। दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी समुद्रगुप्त। चलिए हम अपने आठवें प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा आठवां प्रश्न है, रामायण के लेखक का क्या नाम है? हमारे ऑप्शंस है ए वेदव्यास, बी महर्षि वाल्मीकि, सी विष्णु शर्मा या डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी महर्षि वाल्मीकि। आपका नौवां प्रश्न है, भारत को अधिकतम किससे कर आय प्राप्त होती है? हमारे ऑप्शन है ए बिजली कर, बी निगम कर, सी सेवा कर या डी आयकर। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी निगम कर। हमारा दसवां और आखिरी प्रश्न है, विश्व में सेल फोन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? हमारे ऑप्शंस है ए चीन, बी भारत, सी जापान या डी रूस। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए चीन।